नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज डे टू की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम की डेट घोषित हो गई, जैसे रेलवे एनटीपीसी जो सबसे चर्चित और सबसे बड़ा एनटीपीसी और ग्रुप डी जो है सबसे बड़े एग्ज़ाम है, इनकी भी डेट 15 दिसंबर को घोषित हो गई। इन्हीं सभी एग्ज़ामों को और यूपी ट्रिपल एस सी एस एस सी या पी सी एस के भी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब की डेट घोषित हो गई है। और इसी में हम लोग केवल वही प्रश्न पढ़ेंगे जो सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे टीम के द्वारा एक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, पढ़ने के लिए एक नई मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत ये विचार किया गया है कि जो भी करंट अफेयर्स और जीएस की वीडियो होंगी उसमें उस वीडियो में बीच में कहीं भी दो तीन चार जैसे भी उचित समझे जाएंगे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अक्सर वो प्रश्न जो है जीएस और करंट अफेयर्स से जुड़े होंगे। तो उन क्वेश्चंस के सबसे पहले और सही उत्तर देने वालों को टीम की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में, ये कोई आपको अदर चीज़ नहीं, प्रोत्साहन के रूप में ₹50 पेटीएम किया जाएगा, तुरंत किया जाएगा। जो अपना कमेंट में मैसेज जिसका ऊपर रहेगा वो उनके साथ कम्युनिकेशन करके नंबर कर लेकर और उनसे जो है करके तुरंत कर दिया जाएगा। और इसमें जो है तो इसमें आप नोट में देख सकते हैं कि नोट में एक चीज़ लिखा हुआ है कि ओनली सब्सक्राइबर कमेंट विल बी कंसिडर्ड। ये कोई चीट करने वाली बात नहीं है, जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे आपके पास तुरंत जो है जो ही चैनल पर वीडियो अपलोड होंगी उस चैनल का मैसेज आएगा, घंटी बजेगी। और जो भी लोग सही और पहले जिनका भी उत्तर होगा उनको कर दिया जाएगा। तो ये एक प्रोत्साहन के रूप में है और ये राशि बढ़ती जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है, हमेशा चलती रहेगी। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई भी करें और एंजॉय भी करें। हमारे चैनल का नाम भी आप देख रहे हैं स्टडी विथ मस्ती, किसी भी चीज़ को टेंशन लेकर नहीं करना है, काम करना है। ये नहीं कि टेंशन लेकर बैठ गए कि पढ़ना है, पढ़ नहीं रहे हैं। तो स्टडी करते रहिए और साथ में मस्ती भी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये भारत रत्न अवार्ड जो है अब तक जो लोग पाए हैं उनकी ये लिस्ट है। तो भारत रत्न अवार्ड अब तक जो लोग पाए हुए हैं उनकी ये लिस्ट है। इसमें से एक बेसिक चीज़ पूछा जाता है जो शुरुआत, देखिए क्वेश्चन तो कई प्रकार से बनते हैं लेकिन हमें संभावित क्वेश्चन दिमाग में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए तो कहीं से पूछ सकता है और एग्जाम आदमी कंप्यूटर नहीं हो सकता है, लेकिन संभावित क्वेश्चन पर जो ध्यान देता हो और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं और ज़रूरी होता है। आप देख रहे हैं कि 1954 में जो प्रथम बार मिला था तीन लोग को मिला है, इसमें कौन है? चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती देख रहे हैं कि चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। आप लोग इसको जरूर याद रखिए क्योंकि पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, ये स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि किसको किसको कब कब क्या क्या मिला है। तो ये देख रहे हैं कि चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन लोग को 1954 में एक साथ मिला था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि
भगवान दास हैं चौथे नंबर पर। इसमें महत्वपूर्ण विश्वेश्वरैया जी हैं, भगवान दास और विश्वेश्वरैया जी को 1955 में मिला था। फिर छठवें नंबर पर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, छठवें नंबर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और छठवें नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं सातवें नंबर पर, और डीके कर्वे हैं, इनको डीके कर्वे शॉर्ट में करते हैं, दोंडो केशव कर्वे। इसी प्रकार से आप चलते रहिए, पुरुषोत्तम दास टंडन है दसवें नंबर पर। और आप देख रहे हैं कि इसमें आप देख रहे हैं कि 11वें नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन लोगों को ख्याल करते रहे, कहने का मतलब कि आप देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी पाए हैं भारत रत्न पुरस्कार, राजेंद्र प्रसाद भी पाए, जाकिर हुसैन हो गए, और लाल बहादुर शास्त्री को भी मिला है मरणोपरांत पांचों मछली, और इंदिरा गांधी को भी मिला है 15 नंबर पर देख रहे हैं कि दिया है। और जो है आप इसी प्रकार से देखते रहिए, इसमें आप देख रहे हैं कि मदर टेरेसा को 19 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है, विनोबा भावे को पांचथुमसली मिला है, खान अब्दुल गफार खान को मिला है। ये इसी तरह से आप ये लिस्ट एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। नेल्सन मंडेला को मिला है, भीमराव अंबेडकर को मिला है 1990 में, इन दोनों को साथ में मिला था। तो एक बार प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से कौन कौन लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो उसमें ये नाम आता है। राजीव गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, मोरारजी देसाई जी हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, इसी तरह से सत्यजीत राय, गुलजार नंदा, अरुणा आसफ अली। देखिए ये अरुणा आसफ अली जी को भी ये पुरस्कार मिला है पांचथुमसली। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे आप लोग जुड़े रहिए, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक ऐसी सीरीज और इतने महत्वपूर्ण जीएस और करंट अफेयर्स गणित रीजनिंग की आपकी तैयारी कराई जाएगी कि एकदम दिक्कत नहीं होगी। और विद्वान तो हम आपको लोगों को नहीं बना सकते हैं हम लोग, लेकिन सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा अगर आप मन से मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए जयप्रकाश नारायण को भी 1999 में मिला है, अमर्त्य सेन को मिला है 1990 में मिला है। इसी तरह से देखते रहे, पंडित रविशंकर हो गए 99 में, लता मंगेशकर हो गया, लता दीनानाथ मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्ला खान है, सी एन आर राव हैं, एक वैज्ञानिक थे 14 में मिला था, सचिन रमेश तेंदुलकर को मिला है, सचिन तेंदुलकर जो कि भारत रत्न पुरस्कार मिला, अटल बिहारी वाजपेयी को 15 में मिला है, उनको 14 में मिला था। अब 15 में मदन मोहन मालवीय को, ये रिसेंट वाला और अच्छे से याद रखना चाहिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि 14 में किसको मिला है, ये 14 में जो आप देख रहे हैं ये जो है इसमें देख रहे हैं कि सीएनआर राव हैं जो वैज्ञानिक थे, और सचिन तेंदुलकर को मिला है 2014 में, इन दोनों को एक साथ मिला था। और 2015 में मिला है अटल बिहारी वाजपेयी को और पंडित मदन मोहन मालवीय को, पंडित मदन मोहन मालवीय को पांचथुमसली मरणोपरांत मिला था। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि 2019 में किन किन लोगों को मिला है, 2019 में किन किन लोगों को मिला है, तो ये 2019 में हो गया तो नानाजी देशमुख और भूपेन कुमार हजारिका, और इसमें श्री प्रणव मुखर्जी, इसमें दो लोग को पांचथुमसली मिला है। पांचथुमसली का मतलब मरणोपरांत होता है। तो ये बताने का उद्देश्य ये था कि लोग करंट होता, अगर मुझे बताना होता तो केवल यहाँ से ये बता के मैं निकल लेता कि मैंने 2019 में किसको किसको मिला है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान ली कि ये पूछ लिया जाता कि प्रथम बार कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला था, किन किन लोगों को मिला था, और बीच में महत्वपूर्ण लोगों को भी मिला था, और
ये देखिए, कहने का मतलब कि ये ओरिजिनल भारत सरकार के द्वारा जो जारी किया गया डॉक्यूमेंट है वहाँ से आ पा रहे हैं, इसमें तनिक भी आपको संदेह गलत की नहीं रहना चाहिए। और आगे और हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था कि मेरे टीम द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि आप लोग से एक या दो प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका सही उत्तर, और सबसे पहले और सही उत्तर देने वालों को मान ली कि प्रोत्साहन के रूप में, ताकि आप लोग पढ़ते भी रहें। और प्रोत्साहन ये कोई निस्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ कहने का मतलब कि टीम की नई शुरुआत है और इसको देखते हुए ताकि बच्चे आएँ। और वही बात है कि भाई कोई आदमी अच्छा पढ़ा कर क्या करेगा जब आप लोग तक पहुंच नहीं होगी। धीरे धीरे हम आपको भरोसा हो जाएगा और नो डाउट आप देखेंगे। तो इसी कड़ी में पहला प्रश्न हम आप लोग के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द विनर ऑफ द पद्म भूषण अवार्ड 2020। इनमें से आपको बताना है कि इसमें पद्म भूषण, आप जानते हैं कि तीन पुरस्कार होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इसमें से ये बताना है कि कौन जो है पद्म भूषण पुरस्कार इनमें से नहीं पाया है। और ये क्वेश्चन ट्रिक के साथ है, ऐसा नहीं कि आपको गधा बनाना है, आप थोड़ा सा रीजनिंग लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, ये क्वेश्चन जीएस का क्वेश्चन ट्रिक से आप सॉल्व कर लेंगे। और इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, इसमें जो भी सही और पहले आंसर देगा उसको कमेंट में, और उसको कोई दिक्कत हो तो जो थंबनेल पर उनको नंबर व्हाट्सएप दिया गया वो तुरंत संपर्क करेंगे और मान लें कि उनको पेटीएम कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स आर गिवन इन 2020। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखा होगा, पढ़ा होगा, उनको इस याद होगा। यही दो प्रश्न थे जो आप लोग को उत्तर देने थे, बाकी आगे हम और देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसी अवार्ड्स की कड़ी में अगला पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ अवार्ड को है, ज्ञानपीठ अवार्ड विनर 2020 लिस्ट ऑफ बाय ईयर। तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 की बात हम लोग कर रहे हैं जो 2020 में दिया गया था, इसमें देखने वाली बात है। तो इसमें देखे हैं कि ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवेन टू एन ऑथर ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू आवर लिटरेचर। इट मे बी नोटेड दैट ज्ञानपीठ अवार्ड इज ओनली अवार्डेड टू इंडियन राइटर्स एंड इंडियन लैंग्वेजेज। आप आगे करंट अफेयर्स में देखेंगे जो कुछ अवार्ड जो उस केवल देश के नागरिकों को दिए जाते हैं, कुछ अवार्ड जो है पूरी दुनिया के नागरिकों को दिए जाते हैं, कुछ अवार्ड ऐसे भी हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं पर दिए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें लिखा है कि फर्स्ट विनर ऑफ द पोएम 1965। जैसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे जी शंकर कुरूप, अपनी कविताओं के लिए उनको 1965 में दिया गया था। और ये जो रिसेंटली जो है किसी में भी फर्स्ट याद रखिए, क्योंकि फर्स्ट एक स्टैटिक का भी क्वेश्चन बन जाता है। और अभी जो रिसेंटली दिया गया है अकिथम अचूथन नंबू 3 इन 2019 ईयर, इनको जो है अभी रिसेंटली दिया गया है, 19 वाले को 20 में दिया था, क्योंकि आपके पीछे काम को देखते हुए टिल द ईयर 1965 टोटल 59 इंडियन राइटर्स हैव बीन ऑन द ज्ञानपीठ अवार्ड्स। 1965 से अब तक 59 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो आप ये जो कब दिया गया था आप देख लीजिए, इसमें कहने का मतलब पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था और ये भारतीय लोगों को और भारतीय भाषाओं में काम करने के लिए दिया जाता है। और इसमें यह दिया गया है कि कितना पुरस्कार दिया जाता है, 11 लाख रुपये पहले 1 लाख दिया जाता था, अब 11 लाख कर दिया गया है। और इसके बाद आप देखिए कि ये देखिए 1965 में दिखा रहा है कि जी शंकर कुरूप जो है, ये भी पूछ लेते कि आदमी को किस भाषा के लिए दिया गया, जी शंकर कुरूप फर्स्ट एवार्डी इनको मलयालम भाषा के लिए दिया गया था।
ये पहले थे, इनको एकदम याद रखिए क्योंकि ये स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आप इसमें देखते रहिएगा कि किसको किसको दिया गया है। और हम लोग आप जैसे उत्तर प्रदेश के लोग हैं और हिंदी भाषी लोग हैं, अपने ख़ास तौर से हिंदी भाषा को चीज़ को देख सकते हैं, हिंदी भाषा को। आप देखिए, सुमित्रानंद पंत पहले हिंदी राइटर हुए जिनको ये पुरस्कार दिया गया। आप देखिए चौथे नंबर पर 1968 में सुमित्रानंदन पंत, और ये भाषा देख लीजिए हिंदी। तो ये एक हिंदी का भी क्वेश्चन हो जाए, जब आप हिंदी में हिंदी सामान्य हिंदी का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पूछ लेता है कि वह हिंदी के कौन से लेखक थे जिनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो वैसे तो पहले जी शंकर कुरूप हैं जो मलयालम भाषा से हैं, लेकिन उस लेकिन हिंदी के पहले लेखक जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे वो सुमित्रानंदन पंत हैं, जिनको 1968 में दिया था। उसी लिए फिराक गोरखपुरी को देखिए उर्दू में दिया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में दिया गया है, ये 8वां पुरस्कार था हिंदी के लिए। इसी तरह से देख लेते हैं और कौन कौन से चर्चित नाम हैं जिनको दिया गया है। और फिर से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम है, देखिए 14वें नंबर पर जो आपको दिख रहे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिए महादेवी वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, महादेवी वर्मा को 1982 में। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नरेश मेहता। देखिए आप बहुत लोगों ने तो इनका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अंडरग्राउंड होकर काम करते हैं, उनका काम जो है मेहनत से किया गया काम को ज़रूर पहचान मिलती है। तो उसी तरह से आप देखिए कि नरेश मेहता को 1992 में हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया। देखिए पुरस्कार जीतना कोई आसान बात नहीं होती, आप भले ही करोड़पति हो सकते हैं लेकिन एक मैच में आपको 5 रुपये जीत कर लाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, अपने कंपटीटर से कम्पीट करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। तो पैसा होना अलग बात है लेकिन पुरस्कार जीतना अपने आप में एक सम्मान की और गौरव की बात होती है। तो उसी तरह से नरेश मेहता को भी 1992 में हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब आगे देखते हैं निर्मल वर्मा को भी हिंदी के लिए दिया गया है, ख़ासतौर से हिंदी बेल्ट के विद्यार्थी और हिंदी साहित्य हिंदी का जो जनरल तैयार करने वाले विद्यार्थी है, जरूर याद रखें, ये हिंदी का जनरल क्वेश्चन बन जाता है कि अब तक किन किन को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो निर्मल वर्मा हो गए, अभी आप देखे थे ऊपर ये नरेश मेहता, निर्मल वर्मा और नरेश मेहता का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा लेकिन मिला है। और आगे देखते हैं कुंवर नारायण को मिला है 2005 में हिंदी के लिए। उसके बाद आप आगे चलिए देखते हैं, ये भी एक बहुत चर्चित नाम है, अखलाक मोहम्मद खान शहरयार, जो इनको उर्दू के लिए मिला था 2008 में। और इसमें ये भी पूछ लेता है कि कौन से नंबर का है, देखिए अब 2008 में मिला है लेकिन ये 44वां पुरस्कार है। तो ख़ास तौर से शुरू के और जो रिसेंट ये दोनों याद रखा जाता है और उनका नंबर पूछा जाता है, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार से पूछता है, कई बार पूछता है कि जिस मान लिया पूछ ला कि 44वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, ये नहीं पूछेगा 2008 में 44वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया था, अखलाक मोहम्मद शहरयार को दिया गया था, ये हिंदी के लिए थे। और ये भी देखिए कि 9 में भी हिंदी को मिला, यहाँ तो हिंदी ने झड़ी लगा दी। आप देख रहे हैं कि 8 में भी हिंदी को मिला है, 9 में भी हिंदी को मिला है, और फिर 9 में 2 लोग को मिला है, 45वां जो है 2 लोग को मिला है। तो अमरकांत ये भी एक बहुत ही चर्चित नाम थे, कहने का मतलब कि अमरकांत को भी हिंदी में मिला है, श्रीलाल शुक्ला को भी हिंदी में मिला है। उसके बाद देखते हैं अब इधर देखिए, और प्रतिभा राय हो गई, और उसके बाद ऐसे ऐसे आइए केदारनाथ सिंह को
49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2013 में हिंदी के लिए। उसके बाद ये शंखा घोष हैं, रघुवीर चौधरी हैं, इसी तरह से देखते रहिए। कृष्णा शोभती को मिला है 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब ये भी पूछा जाता है कि किस कविता के लिए, किस रचना के लिए मिला था, तो आप ये आगे कमेंट करेंगे कि इनको किस लिए मिला था, क्योंकि पहले प्रश्न करने से पहले उनके प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को समझिए। और मेन टारगेट जो था हम लोग का आ गया, आप देख रहे हैं कि ২০১৮ में अमिताभ घोष को मिला है अंग्रेजी के लिए। इंग्लिश में राइटिंग करते हैं, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में मिला था, 54वां 2018 अमिताभ घोष इंग्लिश, इतना आप याद रखिए। और 2019 में 55वां हो गया, ये नंबू थ्री को मिला है मलयालम भाषा के लिए। तो सबसे लास्ट वाला कौन सा है, 2019 में मिला है और 55वां है, और अकिथम अचूथन नंबी थुरी मलयालम भाषा के लिए मिला है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना रहने देते हैं। और आप जो है इस वीडियो में जो कमेंट पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका वो कमेंट में उत्तर दीजिए। एक बात ध्यान रखिए कि जो सब्सक्राइबर होंगे चैनल के, उन्हीं का उत्तर कंसिडर किया जाएगा। और ये कोई निस्वार्थ नहीं, मान ली कि कोई भी आदमी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, इसमें स्वार्थ यही है कि हम लोग की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि पढ़ाना एक सार्थक सिद्ध हो। आदमी कोई भी काम करके जो लोगों तक न पहुँच पाए, उससे लोगों को लाभ ना हो, उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। तो ये जो है, और ये अभी नहीं, ये चलता रहेगा, ये चैनल जब तक चलेगा तब तक बच्चों को पुरस्कृत और इस तरह से उत्साह बनाए रखने के लिए कार्यक्रम चलता रहेगा। और दूसरी बात ये है कि ये पुरस्कार भी बढ़ता जाएगा, इसलिए आप पार्टिसिपेट करिए, एंजॉय करिए, और उसके साथ पढ़ाई भी करिए। मेरे चैनल का खुद नाम भी है कि स्टडी विथ मस्ती, कोई टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम।